दूर तो बड़ी करो जी, शेयर करो सारा। दूर वाली कैंची पर रोड वास्ते चक्का जाम, मांग भी जायज है, लेकिन कहना मतलब है मांग थारी जायज है, लेकिन किसी परीक्षा है कोई मान ले परीक्षा है, एम्बुलेंस में गाड़ी लेना है, एम्बुलेंस भी जाए पेशेंट जान ला रहे जी, कोई दिक्कत ही कौन नहीं, पेशेंट ने भेजन ला रहे हमें, बहुत बढ़िया सही बात है गुरु जी, सही बात है, हमारी बात सही, तभी मैं था ना, फिर आप अपा सर मिल गई मिल गई बिल्कुल मिल गए, एक भी बारह का कौन नहीं था मुझे नहीं है बच्चा तो मैं उधर से सड़क जा रहा है, उधर से सड़क जा रहा है, ये दो गांव को मतलब पीछा जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, मतलब क्या मतलब है ये राजनीति भ्रष्ट है। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, एक मिनट, टेम्पो ही नहीं जो माय कारण कोई कोई पेशेंट है हां जी, तो हमारे लोग कोई उसको नहीं रोकेंगे, और एक कोई परीक्षार्थी है उसको नहीं रोकेंगे, इसके अलावा किसी को जाने नहीं देंगे, ये दोनों चीजों में रोके तो आप यहाँ में फोन करो कि आपके जो भी अधिकारी है हम अपने आप को नहीं, कोई कोई बात कोई नहीं रोकेगा, सारे समझदार है, सब इस रोड से दुखी है, ये आपको पता है, बहुत दुखी और काम कर रहे हैं जी, पीछे ट्रैक्टर लगा के पूरा ही ब्लॉक करा के टंगता रही है, खोला खोला में खोला तो बन खोला बन काटा बड़ा छोटा बेटे सही है आम जनता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं 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 कोई नहीं, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, अच्छी बात है, अरे मैं को भाई देखे ले रहे थे को भाई देखे ले रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाइयों बैठ जाओ, और जहां पर बैठ जाओ भाई करना करना हमें फिर से आ गए खूब आड़ दे आड़ दे आड़ दे छोड़ो माइक दे दो जी, माइक दो, माइक दे दो, बहुत ही आदर व सम्मान के लोग मोदियों से, मैंने मेरे आसपास के गांवों के परिवारों के बुजुर्गो सरपंच साहिबानों नौजवान भाइयों जहां तक आवाज जा रही है, बहनों आज जो हमारा चंदूर वाली कैंचिया में जो चक्का जाम है वो इस सड़क के लिए है, और मैं मेरे पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग करे ऐसी मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, पत्रकार भाई भी आए हुए हैं उनका भी मैं सम्मान करती हूँ, हमारी मांग जायज है, जब मैं जिला प्रमुख बनी थी तब से आज तक आप रिकॉर्ड निकलवाओ मैंने ये मांग की थी कि सतीपुरा से आईजीएमपी के पुल तक
अगर ये इंटरस्टेट रोड बनती है तो हनुमानगढ़ से सिरसा जाने के लिए रास्ता बहुत छोटा होगा। वो मांग तो हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। 22 साल से लगातार जब भी सरकारें बनी, जो भी नेतागण चाहे एमपी साहिबान सब आए, हमने सबके सामने निवेदन किया, लेकिन अब जो फतेहपुर से कैंसियर तक जो सड़क की हालत है, हकीकत ये है, मैं जब भी किसी भी रिश्तेदार को मैं आप इतनी बता रही हूँ, अगर बोलती हूँ गांव आना है तो बोलते कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपके नाईवाड़ आना बहुत दूर पर है। सही बात, हकीकत ये है। और बेचारे किसान जो बाइक से जो भी भाईबंद कोई जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनके लिए कोई काम से जाता है, गरीब आदमी के पास सबके पास बड़े साधन नहीं होते। इस रोड पे चलते हुए दुर्घटना होने के चांस बहुत बढ़ते हैं, इसलिए आज हमारी जो मांग है बिल्कुल वाजिब है और हम संघर्ष करेंगे जब तक हमारी ये सड़क की लिखित में जो भी हमें मंजूरी का कोई आश्वासन नहीं मिले तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। मेरे साथ जो भी यहाँ प्रदर्शन में जो भी भाई बंद बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं उनसे हाथ छोड़ के अपने छोटे भाई है, बुजुर्ग है, सबको एक निवेदन करूंगी कि आप एक मरीज को, एम्बुलेंस वाले को, परीक्षार्थी को, उनको जाने दे प्लीज, उनको नहीं रोके। बाकी और कोई भाई बहन जा रहा है, कोई गाड़ियां जा रही है, तो आप बिल्कुल अवश्य रोके, इसमें आप मुझे उलाना नहीं दिलाए। मैं आपके साथ जब तक ये संघर्ष चलेगा आपके साथ चलूंगी, रहूंगी, और आप सब ने सहयोग किया इसके लिए, मैं हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ सरपंच साहब जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, धन्यवाद है। टाइप करा लियो कि वो है के भाई को बोलते नहीं खड़े भाई को बोल दिया भाई को बोलो खड़े खड़े आगे बोलते नहीं आज आज फतेहपुर से लेकर तंदूर वाली कैंची की जो दर्जन सड़क है इसके संबंध में अपने यहाँ पर चक्का जाम किया गया। भारी संख्या में जन आक्रोश में पहुंचता है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन साथियों ये जन आक्रोश है जो आज ही खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अपने को एक डेमो दे दिया सुबह सुबह, जो अपना ज्ञापन दिया गया था 6 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत, उसमें 15 तारीख को तंदूर वाली कैंची पर चक्का जाम का कहा गया था, लेकिन आज ऐसे ही आगे पीछे चक्का जाम हुआ तो पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। पुलिस प्रशासन आपने इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कानूनी चक्का जाम था वो अपने तंदूर वाली कैंची है। साथियों आज एक ज्ञापन और तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर पीछे जो अपने ज्ञापन दिया था उसका भी ब्यौरा है, और उसे यह बोला आज लिखा गया है कि अगर आज अपनी सड़क की मांग को नहीं माना गया तो कल से लगातार जो सातुर शहर सैया रोड है ये टिप्पी से लेकर एमटीपी नहर का पूरा यहाँ तक चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए अपने समर्थन है ना सभी एसडीएम साहब को पहुंचा दिया जाएगा, धन्यवाद। और टाइप करवा दो, ठीक है सर, सोलो लगातार प्रसारण भेड़ा हो रहा है यहाँ, टाइप करवा लेंगे। बात हुआ आज अपन था पड़ गयो की एक बात हुई नहीं हल्ले को नहीं है तीन दिन हुए बात है टाइप कोई करके देख ली तीन मिनट तो पर बैठे हो गया मुकेश इतनी को कोनी में असर पर सर तो की कही है नहीं किंग लागो पड़े वो पर और एक दिन करे कोनी आप तो बुक कर दे
बस पूगी पूगी माड़ा जत्र हो जाए माड़ा जत्र बस बस पूगी कोई दिक्कत नहीं मांगा टाइप फोटो कॉपी करा ली पांच हजार 12 तारीख आज ने दक्षिण एसडीएम ने एप्लीकेशन देने जावा मी दिन रखा पुलिस ने दुर्घटना हुई कोई प्रेग्नेंट औरत थी अच्छी रोड के ऊपरी डिलीवरी होगी मैं बच्चों खत्म हो गयो ये बात ने थोड़ा सी सीरियस ले लियो और एक दिन खुश रहे टाइम देना पड़ेगा बेटे तेरह तारीख में लेटर रोड तो नहीं साहब वीर कमड़िया को धरनो लगे एमएलए साहब का कहना है पर को धरनो खा लियो परेड के अंदर सड़क ये बाद में पत्राचार कर सब सरपंच में मिल गए या ग्रामवासियां सब पत्राचार किया अभी तो है नहीं तो है सड़क को सड़क में ये नंबर हुआ फाइल है दिल्ली दिल्ली टूर कॉलिंग में आई की माने नहीं नितिन गडकरी कमरो दिखा दो भाई कमरो मैं बस लेके जाऊंगा सके ना तो एमपी ने टा एक मिनट बारो तो है ना तो एसडीएम बात ना तहसीलदार उखरा ना एडीएम उखरा कलेक्टर साहब आके वार्ता कर लिया पीडब्ल्यूडी को कोई अठे जी नहीं आणु छे बात करे उसका शांति भंग हो छे मैं ऐलान करा था ने मीडिया से पीडब्ल्यूडी को ना छे अठे कलेक्टर साहब आवे वार्ता करे क्यों जी सही है जी पीडब्ल्यूडी को ना छे आ सब स्पष्ट कह दियो कि पीडब्ल्यूडी को अधिकारी सड़क पर ना छे आगे नी गप मार के की होगी जदी मंत्री संतरी टप्पा है तो रात ने मन छे सर टेंडर लगेगा ठेकेदार आसी इन्हें 10-11 महीना टाइम मिले गो 10-11 करा 2025 में गया अपा ही जाना सरपंच साहब आ प्रक्रिया आज के मंजूर होगी तरकत बने को कलेक्टर साहब वार्ता कर लिया शांति व्यवस्था में बनाए रखांगा और बैठांगा लगातार शाम ने मारो रात ने रुकन को व्यवस्था है और कालू लंगरी सा अलग रोटी पानी को सही हाँ हमारी व्यवस्था यार कोई सड़क बनानी साहब है तो इस सड़क पर पका चाल के पीर कमरिया जाके दिखाइयो जो ठुड्डो ना खा के पड़चे तो कोई आश्वासन देना होगा कलेक्टर साहब हूँ नीचे वार्ता को नहीं क्यों जी सही है कलेक्टर नीचे कोई बोली एसडीएम नहीं आना चाहिए तहसीलदार ना हो ठीक है शांति व्यवस्था का तो खड़े रहो हाँ पीडब्ल्यूडी को ना बैठे पीडब्ल्यूडी का चैक्सन एससी कोई ना बैठे नहीं मैं बुलाऊं खटी क्लब साहब बुलाने में सोचना क्या मैं बुलाना है जी मैं बुलाना है पीडब्ल्यूडी को किन्हीं कौन बुलाऊं अब एक बात तो धर्मपाल सिंह चलाओ नहीं चलाओ तो चैनल पर चला के संडे अच्छी है जी मेरे संडे का जति संडे 500 लोग बैठे कलेक्टर साहब ने तो एक नहीं आणो है नहीं नहीं सही बात है एक बात बताओ धर्मपाल जी धर्मपाल जी थाने में कई बार फोन किया मैं यहां करके पन्नी आ रही कहती कोई लूट मारो थे बचो स्पिटा बचो नहीं हालात माड़ी दे दिए सोलह लगातार
कोई मन थे गिरफ्तारियां करनी है तो मैं बैठा डंडा मारना है सिरा के गिर जाऊंगा सड़क पर टूटना ना आजकल वो काम खत्म है तो मैं तो ताने खुल लिया सी मैं तो रोज का टूटा सा होने लग लिए हां बखा रे जी बखा जो काम कराए कोई मेरे खाली आ जाए नहीं नहीं आ जाओ देखो जी 2 साल हो गया 2 साल में बहुत हालात खराब हो तो आजकल तो भाई वीडियो हो रहा है स्वागत है नहीं बिल्कुल है थारा स्वागत है बहुत बढ़िया जी आयो एक ही नहीं बुलावा को नहीं अरे आओ सारा ढाई सड़क को तपन ते तो मैं तो तारो बोलो मानू ते प्रमुख बनया तो तवा ने ने सड़क बन के कार नहीं करो आ तो जितने मेरो पॉसिबल है विकी बना नहीं नहीं बिल्कुल तारो धन्यवाद है जी ने ने सड़क बन के पूरा सहयोग दे बने मैं सही बताऊ बीच की बात है मानती बैणी वाला आया मैं वो कोनी के सागन दिल को नहीं मान रहा बकायदा बांधी ऐसे कैसे नहीं मनाते आज तो मांगे स्वागत है बताऊ भी नहीं समझा तो बांध तो बैठो नहीं नहीं बिल्कुल अब किसान आदमी फसल घट ले जाए वो चीज बताओ ट्राली कौन जाए गांव में भाव बे भाव बिकन लाए अंकल पर चो तई बात है सुरण होए बेचारा की है बेटा बेटी है होनारो अरे मारे अठो होयो बो एक्स में रो रो गयो हमने छो लड़को है बेचारा वे के रोवा गाड़ी और बेन बेटी ने बेचे को नहीं का एक और जी गांव माने कटे का ये एरिया का सरपंच पर क्या हकीकत है पहला नंबर पंग लगे हैं पहला नंबर लगे मैं तो लेटर ना देना जयपुर परसी शासन सी ने दिए नहीं जी तो मैं प्ले है नहीं जी तो भाई ड्राइवर ने स्पेशल के गया प्रचार ने तो पीर अठे ले आनो है 6 घंटा पीर समझ रहे हर बार के गया कई उनका नहीं बात मैंने भी आई बात पीर कमड़िया गए हो हर बार रोड पर बहुत पर क्यों तो आई है जाके साहब ने लगाया तो लगा था आ जाओ मित्रों अपने लगाओ बता जैसे वो चटनियों के कतरो एक बठुए बटुआ डालियो कर देखा।